देखो नेक्स्ट, जैसे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या गिवन है कि एक पूरी डिस्क है, डिस्क में से इतने हिस्से को काट के फेंका नहीं है, रादर यहां पे रख दिया है, एक बार निकाल दिया और एक बार रख दिया। तो इसमें जो मास है पूरी डिस्क का वो कैपिटल एम है। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ द डिस्क, तो एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका एरिया कितना है, पाई इंटू आर बाई टू का स्क्वायर। तो मास क्या होगा, पूरी डिस्क का मास है एम और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और इसको छोटे डिस्क के एरिया से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई। तो छोटी डिस्क का मास कितना आ गया, एम बाई फोर। तो पूरी डिस्क का मास है एम और कटी हुई डिस्क का मास है एम बाई फोर। तो रूल देखो, रूल ये है, पहले पूरी डिस्क का लेंगे एम इंटू आर, जैसे एम इंटू एक्स कर सकते हैं, ऐसे एम इंटू एक्स, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पूरी डिस्क का जीरो कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर बाई टू कॉमा जीरो, इसका क्या होगा, माइनस आर बाई टू कॉमा जीरो। ठीक, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पूरी डिस्क है उसका मास है एम, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। जो कटी हुई डिस्क है, कटी हुई डिस्क को बाहर निकालना है तो साइन क्या आएगा, माइनस, और जब उस डिस्क को रखेंगे वापस तो फिर क्या आएगा, प्लस। तो कटी हुई डिस्क का मास क्या है, एम बाई फोर, और रेडियस क्या है, आर बाई टू, करेक्शन है यहां पर, क्या आएगा, आर बाई टू। और उसी तरीके से यहां पर रख दिया, तो यहां पर रखने पर मास क्या है, एम बाई फोर, और रेडियस क्या है, आर बाई टू, रादर माइनस आर बाई टू। तो यहां पर ऐसा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए प्लस और ये वाला क्या होना चाहिए, माइनस। तो ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। हालांकि इस टाइप की प्रॉब्लम आती नहीं है, इस टाइप की प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि डिस्क में से एक पोर्शन काट के फेंक दिया तो नया सेंटर ऑफ मास निकालो। भरी पड़ी है प्रॉब्लम इसके ऊपर, कभी स्क्वायर काटेगा, कभी डिस्क काटेगा, कभी गौर शेप काट देगा, रूल वही रहेगा हमेशा। मैं करके दिखाता हूं भी आपको। तो जैसे सपोज ये देखो, लास्ट टाइम हम रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास यहां से शुरू करते हैं। ये लो, ये पहली प्रॉब्लम है जो आज हमने डिस्कस की, माइनस ए बाई सिक्स। यह था ना अभी कि एक डिस्क में से डिस्क काट के फेंक दी तो ये क्या हो जाएगा, ए वन, ये क्या हो जाएगा, ए टू, एरिया आ गया, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 और इसका a by 2,0। तो यही प्रॉब्लम मैंने शीट में सॉल्व की हुई थी जिसका आंसर माइनस a by 6 था। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एक तो पहली प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है इसमें, ये देखो कितनी आसान प्रॉब्लम है। तीन मासेस हैं, पॉइंट मासेस, एक दो तीन, तो आपको ये चार तीन पाँच गिवन है। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसको ओरिजिन मान लें 0,0, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,0, ये क्या होगा, 0,4। तो m1x1, m2x2, m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो सीधा आंसर आएगा इसमें, मेरे ख्याल से सही है ये। तो आप फॉर्मूला लगा लेना m1x1 m2x2 वाला, आपका सीधा आंसर आएगा m1y1 वाला भी। आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लास्ट टाइम शीट में किया था, लास्ट टाइम जब थ्योरी बता रहा था तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको डेंसिटीज गिवन होती हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। अब लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लैम्डा, पर इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या यूज किया, सिंबल रो, पर जबकि ये है क्या, लीनियर मास डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ ही है ये, तो मेडिकल के लिए नहीं है। तो आपको सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है ये बताना है। तो मैंने आपको मेथड बताया था, याद है ये मेथड, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इंटीग्रेशन यूज करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इसमें डीएम क्या बोला था, लैम्डा इनटू डीएक्स, याद करो डेंसिटी को डीएक्स से मल्टीप्लाई किया था। तो देखो ये डेंसिटी है, इसको डीएक्स से मल्टीप्लाई, और नीचे भी डेंसिटी को डीएक्स से मल्टीप्लाई, जीरो से एल इंटीग्रेट करेंगे। तो नॉन मेडिकल के लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, तो यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि देखो बहुत ज्यादा रेंज के बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे, कटिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉइंट मास के क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम ऐसा किया था, क्या किया था, वो कह रहे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ, एक्स कोमा वाई क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, इसको ओरिजिन लिया हुआ, सारे कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है इसमें, तो आपको इस फिगर को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। पहला हिस्सा आप ये ले लें, पहला हिस्सा ये ले लें, बस ये रहा ये पहला, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, दूसरा हिस्सा ये ले लें, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे। तो आप एक्स वन कोमा वाई वन निकाल लें, एक्स टू कोमा वाई टू निकाल लें, और फिर इसका मास निकाल लें। अब मास कैसे निकलेगा इसका m1, और मास कैसे निकलेगा m2।
आप पहले पूरे फिगर का एरिया निकाल लें। तो पूरी दो रेक्टेंगल है, पूरी फिगर का एरिया निकल गया। पूरी फिगर का एरिया जो भी आएगा उसका मास है m, वन के लिए m अपॉन एरिया, और इतना एरिया अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पोर्शन का मास आ जाएगा, और ऐसे इतने पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पोर्शन का मास आ जाएगा। तो m1 m2 आ गया, क्लियर है यहाँ तक? तो m1 m2 निकाल लिया। ये कोऑर्डिनेट तो वैसे ही बहुत क्लियर दिख रहे हैं आपको, कैसे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब इस कोऑर्डिनेट में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, वन, आधा डिस्टेंस क्या होगा, 0.5। तो ये डिस्टेंस, ये हाइट क्या है, टू, और आधा डिस्टेंस क्या होगा, 1.5, 1। कोऑर्डिनेट निकाल लोगे मिड पॉइंट से, उसी तरीके से यहां निकाल लो, यहां पे निकाल लो। अब इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस 2, 2 + 1 = 3। तो हाइट क्या, वाई एक्सिस क्या है इसमें, 3। एक्स एक्सिस क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, 1, और ये डिस्टेंस भी कितना है, 1, 1 का आधा 1.5। तो ये डिस्टेंस 1 और ये 0.5 इसमें ऐड कर देना। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ पर कि यहीं इसके ऊपर ही होगा। एक सेकेंड, प्रॉब्लम है, अच्छा ऐसे ले लो, हाँ 2.5, राइट, ऐसे ले लो। तो ये इसका सेंटर है, ठीक है, तो वाई एक्सिस में 2.5 आएगा, राइट, तो ये 2 है और ये 0.5 है, राइट, 3 नहीं आएगा, सॉरी, तो 2 + 0.5, 2.5 आएगा, और एक्स एक्सिस में तो चलो 1 आएगा आएगा। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, दो पॉइंट्स ले लेने हैं इस तरीके से, और इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देने हैं। तो एक जैसे 1, 2.5, ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट 0.5, 1। तो मास आपने एरिया से निकाल देना है, कोऑर्डिनेट्स आपने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल देने हैं। तो फिर उसके बाद m1 x1 m2 x2 m1 + m2, और m1 y1 m2 y2 m1 + m2। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम में। फिर डिस्क में से डिस्क कट कर रहे हैं, फर्क यह है कि इस बार कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलेंगी। पढ़ो, क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो ये पूरी फिगर है इसका सेंटर कहाँ पर है, सी पे। आपने इस डिस्क को काट के फेंक दिया, इसका सेंटर क्या है, ओ, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया, जी, ठीक है, रूल वही है m1 a1 m2 a2 वाला, पर प्रॉब्लम ये है कि इस बार फिगर क्या है, स्फेयर है। और अगर फिगर स्फेयर है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे सेंटर ऑफ ये जो सी है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0, 0, ओ का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, कटी हुई डिस्क का क्या कोऑर्डिनेट होगा निकाल देते हैं, फिर बची हुई डिस्क का निकाल देते हैं ऐसे। तो हम ये निकाल देंगे, तो सपोज इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पर फॉर्मूला क्या लगेगा, v1 × x1 − v2 × x2 / v1 − v2। वॉल्यूम क्यों, क्योंकि फिगर डिस्क नहीं है, फिगर स्फीयर है। तो एरिया का क्या टर्म यूज करेंगे इसमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ v1 × x1 = v2 × x2। तो अगर मैं आपको ये x1 बता दूं, ये x2 बता दूं, तो यहाँ का वॉल्यूम इंटू x1, यहाँ का वॉल्यूम इंटू x2 आंसर आ जाएगा। तो यही करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें इसकी ज्योमेट्री देख लो। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये इस कटी हुई डिस्क का सेंटर है, इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो आर है, क्योंकि टोटल रेडियस पूरे स्फीयर का कितना है, आर है। इसके सेंटर से ये दूरी कितनी है, 1 है, तो ये दूरी कितनी आ गई, r − 1। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, r − 1। फिर ऐसे ये निकाल लेते हैं, ये कैसे निकलेगा, ये 1 है और ये 1, डायमीटर क्या है, 2, 2 में से माइनस कर देते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, R, क्योंकि टोटल 2 है, 2 में से R क्या क्या आ गया, 2,
माइनस आर, बस हो गया। तो एक डिस्टेंस आ गया आर माइनस वन, एक डिस्टेंस आ गया टू माइनस आर। तो फिर ये लो, यही किया इसने कि जो कटी हुई डिस्क है, सॉरी जो बची हुई डिस्क है, टोटल वॉल्यूम में से माइनस किया हमने कटी हुई डिस्क का वॉल्यूम, तो बची हुई डिस्क की दूरी कितनी है, टू माइनस आर। और कटी हुई डिस्क यहां पर थी, कटी हुई डिस्क का वॉल्यूम ये रहा और डिस्टेंस कितना है आर माइनस वन। तो वी वन एक्स वन इज वी टू एक्स टू, सॉल्व करके यहां से आंसर आएगा। मैथमेटिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑप्शन मार्क करना है। मेथड समझ में आ रहा है कि रूल वही है, बस एरिया की जगह से क्या यूज करवा लिया, वॉल्यूम। ठीक है यहां तक क्वेश्चन? देखो क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कल। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो कई फिगर्स का बताया था, कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, आदि डिस्क का कहाँ लाई करता है, सेमी सर्कल का कहाँ लाई करता है। ये कोई इंटीग्रेशन कौन करेगा बैठ के, याद करो, सेमी सर्कल का लाई करता है टू आर बाई पाई, बस कंपेयर करके आंसर टू। इंटीग्रेशन नहीं करनी, याद ही करना है फॉर्मूला, सेमी सर्कल की ग्राउंड से हाइट पे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होता है, 2r बाय पाई, बस। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, बॉडी जिसका मास 2 kg है मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 4, इलास्टिक कोलिजन करती है सेकेंड बॉडी लाइंग एट रेस्ट, और फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं और फर्स्ट बॉडी की जो भी वेलोसिटी u है, टक्कर के बाद वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, u by 4। तो स्पीड ऑफ टू बॉडी सेंटर ऑफ मास इज x by 10। तो सेंटर ऑफ मास दोनों, उसके बाद टक्कर के बाद दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, तो दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपको x बताना है क्या होगा। तो रूल नंबर वन, आपको क्वेश्चन में m और एक मास गिवन है 2 kg, दूसरा गिवन ही नहीं है, मास ही नहीं गिवन, तो m डैश, इसकी वेलोसिटी क्या है u, तो ये रेस्ट पे है, टक्कर के बाद u की जगह u by 4, इसकी वेलोसिटी v डैश। ना तो क्वेश्चन में m डैश पता है ना क्वेश्चन में v डैश पता है। तो रूल नंबर वन, ये क्या चीज है u1, ये क्या चीज है v1, तो आप v1 का बड़ा सा फॉर्मूला लगा लें जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम कोलिजंस में। तो आप ये फॉर्मूला लगाएं और इस फॉर्मूले के अंदर, ये लो, इस फॉर्मूले के अंदर u2 को तो स्ट्रेट वे क्या पुट कर दें, जीरो। v1 का मतलब क्या गिवन है, u by 4, u1 का मतलब u, m1 का मतलब 2 kg, सॉल्व करके सबसे पहले m2 निकाल लें तो m डैश तो आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो v1 का बड़ा सा फॉर्मूला यूज करके आप m डैश तो निकाल ही सकते हैं, तो m डैश आ गया। उसके बाद एक काम करें, अब v2 का बड़ा सा फॉर्मूला यूज कर लें v2 का, क्योंकि m भी पता है, m डैश भी पता है, U भी पता है, जीरो भी पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वी डैश, वी डैश का मतलब वी टू है। तो सॉल्व करके क्या आ गया, इसने नहीं किया, इसने अलग तरीके से किया है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके वी डैश निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं आपके पास V भी आ गया, वी वन भी आ गया, वी टू भी आ गया, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज आ गई, तो आप बस फिर फॉर्मूला लगा लें एम वन वी वन एम टू वी टू एम वन प्लस एम टू, तो आपके पास ये आंसर आएगा, कंपेयर करके एक्स बाय टेन से एक्स क्या आएगा, 25 आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, पहले कोलिजन से दोनों वेलोसिटीज निकलेंगी, फिर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगेगा वेलोसिटीज का, और फिर सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटीज को कैलकुलेट करके कंपेयर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यानी कि कॉम्बिनेशन है कोलिजन का एज वेल एज सेंटर ऑफ मास का। ठीक है यहां तक, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, एक डिस्क में से क्या काट दिया, स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे ए वन, फिर एरिया निकालेंगे ए टू, इसका कोऑर्डिनेट का 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद m1 a1 माइनस m2 a2 बाय m1 माइनस m2 आंसर। ठीक है यहां तक, तो ये कटिंग वाली सेम प्रॉब्लम है, डिस्क में से डिस्क काट दो, स्क्वायर काट दो, कैसे भी कर दो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा।
नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर, सॉलिड स्फेयर नहीं, सॉलिड हेमीस्फेयर, जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, वो एक्स है फ्रॉम सेंटर ऑफ फ्लैट सरफेस। तो ग्राउंड से उसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट की बने एक्स है, तो एक्स क्या है? अरे फॉर्मूला याद करना है, 3r/8। हेमीस्फेयर का ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला 3r/8 आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक? फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसके। तो ठीक, सेंटर ऑफ मास का आइडिया हो गया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें।